हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों ये 2024 तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया है इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया है फिल्म में जयराम रवि के साथ अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश और योगी बाबू और उस समूथी कारणी नज़र आने वाले हैं फिल्म के निर्देशन की बात करें तो इस फिल्म को निर्देशित किया एंटनी भाग्यराज ने इस फिल्म के लेखक भी वही हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं की बात करें तो इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में हमें नज़र आने वाले हैं जयम रवि अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश फिल्म को 16 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सारायन के तहत की गई थी जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उप शीर्षक दिया गया था मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई और जो कांचीपुरम चेन्नई कराई कला सहित कई स्थानों पर चिटपुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 के मध्य तक पूरा कर लिखा लिख लिया गया था फिल्म में संगीत जियो प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है सीएम एम छायांकन सैला कुमार द्वारा इसके द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया है सायरन सुरेश ने दिसंबर 2023 में रिलीज होने वाली थी लेकिन अधूरे पोस्टर प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और यह फिल्म 16 फरवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी फिल्म को मिश्रित से नकारात्मक समीक्षा मिली थिलांगना कांजीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे पर अपनी पत्नी जेनिफर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है चौदह साल बाद जेनिफर की मौत का बदला लेने के लिए वह चौदह दिन के पैरोल के साथ बाहर निकलता है जयराम रवि इस फिल्म में हमको थिलांगावरणम थिलांगन के रूप में नज़र आने वाले हैं और कार्तिका सुरेश इंस्पेक्टर के नंदनी के रूप में हमको नज़र आएंगे फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2022 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई थी और कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया था इसका दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 में शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कार्य कराइकल में की गई थी और कथिक और तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत अनुक्रम दिखाया गया था फिल्मांकन अप्रैल में के मध्य में पूरा हुआ था फिल्म के संगीत की बात करें तो इस फिल्म को संगीत दिया जियो प्रकाश कुमार द्वारा तैयार किया गया है उन्होंने पहले सहयोग में भाग्यराज और निमी, निमी नीला के बाद रवि के साथ दूसरा है दूसरा है आइडियो अधिकार सोनी म्यूजिक द्वारा हासिल किया गया है हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों ये 2024 तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया है इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया है फिल्म में जयराम रवि के साथ अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश और योगी बाबू और उस समूथी कारनी नज़र आने वाले हैं फिल्म के निर्देशन की बात करें तो इस फिल्म को निर्देशित किया एंटनी भाग्यराज ने इस फिल्म के लेखक भी वही हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं की बात करें तो इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में हमें नज़र आने वाले हैं जयम रवि अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश फ़िल्म को 16 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सारायन के तहत की गई थी जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उप शीर्षक दिया गया था मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई और जो कांचीपुरम चेन्नई करई कुंडी कराईकला सहित कई स्थानों पर चिटफुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 के मध्य तक पूरा कर लिखा लिख लिया गया था फिल्म में संगीत जियो प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है सीएम एम छायांकन शैला कुमार द्वारा इसके द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया है सायरन सुरेश ने दिसंबर 2023 में रिलीज होने वाली थी लेकिन अधूरे पोस्टर प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और यह फिल्म 16 फरवरी 2024 को सिनेमा को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी फिल्म को मिश्रित से नकारात्मक समीक्षा मिली तेलंगाना कांजीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे पर अपनी पत्नी जेनिफर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है चौदह साल बाद जेनिफ़र की मौत का बदला लेने के लिए वह चौदह दिन के पैरोल के साथ बाहर निकलता है जया राम रवि इस फिल्म में हमको थिलांगावरण थीलांगन के रूप में नजर आने वाले हैं और कार्तिका सुरेश इंस्पेक्टर के नंदनी के रूप में हमको नज़र आएंगे फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी पाँच सितंबर 2022 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई थी और कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया था इसका दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 में शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कार्य कराईकल में की गई थी और कथिक और तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत अनुक्रमण दिखाया गया था फिल्मांकन अप्रैल में के मध्य में पूरा हुआ था फिल्म के संगीत की बात करें तो इस फिल्म को संगीत दिया है जीव प्रकाश कुमार द्वारा तैयार किया गया है उन्हें पहले सहयोग में भाग्यराज और निमी निमिरंधु नीला के बाद रवि के साथ दूसरा है दूसरा है आइडियो अधिकार सोनी म्यूजिक द्वारा हासिल किया गया है हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों ये 2024 तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया है इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया है फिल्म में जयराम रवि के साथ अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश और योगी बाबू और उस समूथी कारणी नज़र आने वाले हैं फिल्म के निर्देशन की बात करें तो इस फिल्म को निर्देशित किया एंटनी भाग्यराज ने इस फिल्म के लेखक भी वही हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं की बात करें तो इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में हमें नज़र आने वाले हैं जयम रवि अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश फिल्म को सोलह फरवरी दो को रिलीज किया गया था फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सारायन के तहत की गई थी जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उप शीर्षक दिया गया था मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई और जो कांचीपुरम चेन्नई कुंडी कराई कला सहित कई स्थानों पर चिटफुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 के मध्य तक पूरा कर लिखा लिख लिया गया था फिल्म में संगीत जियो प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है सीएम एम छायांकन शैला कुमार द्वारा इसके द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया है सायरन सुरेश ने दिसंबर 2023 में रिलीज होने वाली थी लेकिन अधूरे पोस्टर प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और यह फिल्म 16 फरवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी फिल्म को मिश्रित से नकारात्मक समीक्षा मिली तेलंगाना कांजीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे पर अपनी पत्नी जेनिफर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है चौदह साल बाद जेनिफर की मौत का बदला लेने के लिए वह चौदह दिन के पैरोल के साथ बाहर निकलता है जयराम रवि इस फिल्म में हमको थीलांगावरम थीलांगन के रूप में नज़र आने वाले हैं और कार्तिका सुरेश इंस्पेक्टर के नंदनी के रूप में हमको नज़र आएंगे फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2022 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई थी और कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया था इसका दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 में शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कार्य क्राइकल में की गई थी और कथिक और तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत अनुक्रमण दिखाया गया था फिल्मांकन अप्रैल में के मध्य में पूरा हुआ था फिल्म के संगीत की बात करें तो इस फिल्म को संगीत दिया है जीव प्रकाश कुमार द्वारा तैयार किया गया है उन्होंने पहले सहयोग में <coughs> भाग्यराज और निमी निमी रंधु नीला के बाद रवि के साथ दूसरा है दूसरा है आइडियो अधिकार सोनी म्यूजिक द्वारा हासिल किया गया है हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों ये 2024 तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया है इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया है फिल्म में जयराम रवि के साथ अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश और योगी बाबू और उस समूथी कारनी नज़र आने वाले हैं फिल्म के निर्देशन की बात करें तो इस फिल्म को निर्देशित किया एंटनी भाग्यराज ने इस फिल्म के लेखक भी वही हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं की बात करें तो इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में हमें नज़र आने वाले हैं जयम रवि अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश फ़िल्म को 16 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सारायन के तहत की गई थी जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उप शीर्षक दिया गया था मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई और जो कांजीपुरम चेन्नई काराई कुंडी कराई, कला सहित कई स्थानों पर चिटफुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 के मध्य तक पूरा कर लिखा लिख लिया गया था फिल्म में संगीत जियो प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है सीएम एम छायांकन शैला कुमार द्वारा इसके द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया है सायरन सुरेश ने दिसंबर 2023 में रिलीज होने वाली थी लेकिन अधूरे पोस्टर प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और यह फिल्म 16 फरवरी 2024 को सिनेमा को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी फिल्म को मिश्रित से नकारात्मक समीक्षा मिली तेलंगाना कांजीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे पर अपनी पत्नी जेनिफर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है चौदह साल बाद जेनिफ़र की मौत का बदला लेने के लिए वह चौदह दिन के पैरोल के साथ बाहर निकलता है जया राम रवि इस फिल्म में हमको थिलांगावरण थीलांगन के रूप में नजर आने वाले हैं और कार्तिका सुरेश इंस्पेक्टर के नंदनी के रूप में हमको नज़र आएंगे फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी पाँच सितंबर 2022 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई थी और कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया था इसका दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 में शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कार्य कराईकल में की गई थी और कथिक और स, तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत अनुक्रमण दिखाया गया था फिल्मांकन अप्रैल में के मध्य में पूरा हुआ था फिल्म के संगीत की बात करें तो इस फिल्म को संगीत दिया है जीव प्रकाश कुमार द्वारा तैयार किया गया है उन्हें पहले सहयोग में भाग्यराज और निमी निमिरंधु नीला के बाद रवि के साथ दूसरा है दूसरा है आइडियो अधिकार सोनी म्यूजिक द्वारा हासिल किया गया है हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों ये 2024 तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया है इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया है फिल्म में जयराम रवि के साथ अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश और योगी बाबू और उस समूह थी कारणी नज़र आने वाले हैं फिल्म के निर्देशन की बात करें तो इस फिल्म को निर्देशित किया एंटनी भाग्यराज ने इस फिल्म के लेखक भी वही हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं की बात करें तो इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में हमें नजर आने वाले हैं जयम रवि अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश फिल्म को 16 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सारायन के तहत की गई थी जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उप शीर्षक दिया गया था मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई और जो कांचीपुरम चेन्नई कुंडी, कराई कला सहित कई स्थानों पर चिटफुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 के मध्य तक पूरा कर लिखा लिख लिया गया था फिल्म में संगीत जियो प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है सीएम छायांकन से शैला कुमार द्वारा इसके द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया है सायरन सुरेश ने दिसंबर 2023 में रिलीज होने वाली थी लेकिन अधूरे पोस्टर प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और यह फिल्म 16 फरवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी फिल्म को मिश्रित से नकारात्मक समीक्षा मिली थिलांगना कांजीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे पर अपनी पत्नी जेनिफर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है चौदह साल बाद जेनिफर की मौत का बदला लेने के लिए वह चौदह दिन के पैरोल के साथ बाहर निकलता है जयराम रवि इस फिल्म में हमको थीलांगावरम थिलांगन के रूप में नज़र आने वाले हैं और कार्तिका सुरेश इंस्पेक्टर के नंदनी के रूप में हमको नज़र आएंगे फिल्म की मुख्य फोटोग्राफ़ी पाँच सितंबर 2022 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई थी और कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया था इसका दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 में शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कार्य कराइकल में की गई थी और कथिक और तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत गीतानुक्रमण दिखाया गया था फिल्मांकन अप्रैल में के मध्य में पूरा हुआ था फिल्म के संगीत की बात करें तो इस फिल्म को संगीत दिया जियो प्रकाश कुमार द्वारा तैयार किया गया है उन्होंने पहले सहयोग में <coughs> भाग्यराज और निमी, निमी नीला के बाद रवि के साथ दूसरा है दूसरा है आइडियो अधिकार सोनी म्यूजिक द्वारा हासिल किया गया है हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों ये 2024 तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया है इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया है फिल्म में जयाराम रवि के साथ अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश और योगी बाबू और उस समूथी कारनी नज़र आने वाले हैं फिल्म के निर्देशन की बात करें तो इस फिल्म को निर्देशित किया एंटनी भाग्यराज ने इस फिल्म के लेखक भी वही हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं की बात करें तो इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में हमें नज़र आने वाले हैं जयम रवि अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश फ़िल्म को 16 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सारायन के तहत की गई थी जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उप शीर्षक दिया गया था मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई और जो कांजीपुरम चेन्नई करई कुंडी कराई, कला सहित कई स्थानों पर चिटफुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 के मध्य तक पूरा कर लिखा लिख लिया गया था फिल्म में संगीत जिओ प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है सीएम एम छायांकन शैला कुमार द्वारा इसके द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया है सायरन सुरेश ने दिसंबर 2023 में रिलीज होने वाली थी लेकिन अधूरे पोस्टर प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और यह फिल्म 16 फरवरी 2024 को सिनेमा को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी फिल्म को मिश्रित से नकारात्मक समीक्षा मिली तेलंगाना कांजीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे पर अपनी पत्नी जेनिफर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है चौदह साल बाद जेनिफ़र की मौत का बदला लेने के लिए वह चौदह दिन के पैरोल के साथ बाहर निकलता है जयराम रवि इस फिल्म में हमको थिलांगावरम थीलांगन के रूप में नज़र आने वाले हैं और कार्तिका सुरेश इंस्पेक्टर के नंदनी के रूप में हमको नज़र आएंगे फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी पाँच सितंबर 2022 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई थी और कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया था इसका दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 में शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कार्य कराईकल में की गई थी और कथिक और स, तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत अनुक्रमण दिखाया गया था फिल्मांकन अप्रैल में के मध्य में पूरा हुआ था फिल्म के संगीत की बात करें तो इस फिल्म को संगीत दिया है जीव प्रकाश कुमार द्वारा तैयार किया गया है उन्हें पहले सहयोग में भाग्यराज और निमी निमिरंधु नीला के बाद रवि के साथ दूसरा है दूसरा है आइडियो अधिकार सोनी म्यूजिक द्वारा हासिल किया गया है हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों ये 2024 तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया है इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया है फिल्म में जयराम रवि के साथ अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश और योगी बाबू और उस समूह थी कारिणी नज़र आने वाले हैं फिल्म के निर्देशन की बात करें तो इस फिल्म को निर्देशित किया एंटनी भाग्यराज ने इस फिल्म के लेखक भी वही हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं की बात करें तो इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में हमें नज़र आने वाले हैं जयम रवि अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश फिल्म को 16 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सारायन के तहत की गई थी जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उप शीर्षक दिया गया था मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई और जो कांचीपुरम चेन्नई कुंडी कराई कला सहित कई स्थानों पर चिटफुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 के मध्य तक पूरा कर लिखा लिख लिया गया था फिल्म में संगीत जियो प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है सीएम छायांकन से शैला कुमार द्वारा इसके द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया है सायरन सुरेश ने दिसंबर 2023 में रिलीज होने वाली थी लेकिन अधूरे पोस्टर प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और यह फिल्म 16 फरवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी फिल्म को मिश्री से नकारात्मक समीक्षा मिली तेलंगाना कांजीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे पर अपनी पत्नी जेनिफर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है चौदह साल बाद जेनिफर की मौत का बदला लेने के लिए वह चौदह दिन के परोल के साथ बाहर निकलता है जयराम रवि इस फिल्म में हमको थीलांगावरम थिलांगन के रूप में नज़र आने वाले हैं और कार्तिका सुरेश इंस्पेक्टर के नंदनी के रूप में हमको नजर आएंगे फिल्म की मुख्य फोटोग्राफ़ी 5 सितंबर 2022 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई थी और कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया था इसका दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 में शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कार्य कराइकल में की गई थी और कथिक और तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत गीतानुक्रमण दिखाया गया था फिल्मांकन अप्रैल में के मध्य में पूरा हुआ था फिल्म के संगीत की बात करें तो इस फिल्म को संगीत दिया है जीव प्रकाश कुमार द्वारा तैयार किया गया है उन्होंने पहले सहयोग में भाग्यराज और निमी, निमी नीला के बाद रवि के साथ दूसरा है दूसरा है आइडियो अधिकार सोनी म्यूजिक द्वारा हासिल किया गया है हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों ये 2024 तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया है इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया है फिल्म में जयराम रवि के साथ अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश और योगी बाबू और उस समूथी कारनी नज़र आने वाले हैं फिल्म के निर्देशन की बात करें तो इस फिल्म को निर्देशित किया एंटनी भाग्यराज ने इस फिल्म के लेखक भी वही हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं की बात करें तो इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में हमें नज़र आने वाले हैं जयम रवि अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश फ़िल्म को 16 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सारायन के तहत की गई थी जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उप शीर्षक दिया गया था मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई और जो कांजीपुरम चेन्नई काराई कुंडी कराई, कला सहित कई स्थानों पर चिटफुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 के मध्य तक पूरा कर लिखा लिख लिया गया था फिल्म में संगीत जियो प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है सीएम एम छायांकन शैला कुमार द्वारा इसके द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया है सायरन सुरेश ने दिसंबर 2023 में रिलीज होने वाली थी लेकिन अधूरे पोस्टर प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और यह फिल्म 16 फरवरी 2024 को सिनेमा को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी फिल्म को मिश्रित से नकारात्मक समीक्षा मिली तेलंगाना कांजीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे पर अपनी पत्नी जेनिफर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है चौदह साल बाद जेनिफ़र की मौत का बदला लेने के लिए वह चौदह दिन के पैरोल के साथ बाहर निकलता है जया राम रवि इस फिल्म में हमको थिलांगावरण थीलांगन के रूप में नजर आने वाले हैं और कार्तिका सुरेश इंस्पेक्टर के नंदनी के रूप में हमको नज़र आएंगे फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी पाँच सितंबर 2022 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई थी और कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया था इसका दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 में शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कार्य कराईकल में की गई थी और कथिक और स, तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत अनुक्रमण दिखाया गया था फिल्मांकन अप्रैल में के मध्य में पूरा हुआ था फिल्म के संगीत की बात करें तो इस फिल्म को संगीत दिया है जीव प्रकाश कुमार द्वारा तैयार किया गया है उन्हें पहले सहयोग में भाग्यराज और निमी निमिरंधु नीला के बाद रवि के साथ दूसरा है दूसरा है आइडियो अधिकार सोनी म्यूजिक द्वारा हासिल किया गया है हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों ये 2024 तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया है इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया है फिल्म में जयराम रवि के साथ अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश और योगी बाबू और उस समूथी कारणी नज़र आने वाले हैं फिल्म के निर्देशन की बात करें तो इस फिल्म को निर्देशित किया एंटनी भाग्यराज ने इस फिल्म के लेखक भी वही हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं की बात करें तो इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में हमें नज़र आने वाले हैं जयम रवि अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश फिल्म को 16 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सारायन के तहत की गई थी जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उप शीर्षक दिया गया था मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई और जो कांचीपुरम चेन्नई कुंडी कराई कला सहित कई स्थानों पर चिटफुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 के मध्य तक पूरा कर लिखा लिख लिया गया था फिल्म में संगीत जियो प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है सीएम एम छायांकन शैला कुमार द्वारा इसके द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया है सायरन सुरेश ने दिसंबर 2023 में रिलीज होने वाली थी लेकिन अधूरे पोस्टर प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और यह फिल्म 16 फरवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी फिल्म को मिश्रित से नकारात्मक समीक्षा मिली थिलांगना कांजीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे पर अपनी पत्नी जेनिफर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है चौदह साल बाद जेनिफर की मौत का बदला लेने के लिए वह चौदह दिन के पैरोल के साथ बाहर निकलता है जयराम रवि इस फिल्म में हमको थीलांगावरम थिलांगन के रूप में नज़र आने वाले हैं और कार्तिका सुरेश इंस्पेक्टर के नंदनी के रूप में हमको नज़र आएंगे। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफ़ी 5 सितंबर 2022 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई थी और कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया था इसका दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 में शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कार्य क्राइकल में की गई थी और कथिक और तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत अनुक्रमण दिखाया गया था फिल्मांकन अप्रैल में के मध्य में पूरा हुआ था फिल्म के संगीत की बात करें तो इस फिल्म को संगीत दिया है जीव प्रकाश कुमार द्वारा तैयार किया गया है उन्होंने पहले सहयोग में <coughs> भाग्यराज और निमी निमीरंधु नीला के बाद रवि के साथ दूसरा है दूसरा है आइडियो अधिकार सोनी म्यूजिक द्वारा हासिल किया गया है हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों ये 2024 तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया है इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया है फिल्म में जयराम रवि के साथ अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश और योगी बाबू और उस समूथी कारनी नज़र आने वाले हैं फिल्म के निर्देशन की बात करें तो इस फिल्म को निर्देशित किया एंटनी भाग्यराज ने इस फिल्म के लेखक भी वही हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं की बात करें तो इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में हमें नज़र आने वाले हैं जयम रवि अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश फ़िल्म को 16 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सारायन के तहत की गई थी जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उप शीर्षक दिया गया था मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई और जो कांचीपुरम चेन्नई करई कुंडी कराईकला सहित कई स्थानों पर चिटफुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 के मध्य तक पूरा कर लिखा लिख लिया गया था फिल्म में संगीत जियो प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है सीएम एम छायांकन शैला कुमार द्वारा इसके द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया है सायरन सुरेश ने दिसंबर 2023 में रिलीज होने वाली थी लेकिन अधूरे पोस्टर प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और यह फिल्म 16 फरवरी 2024 को सिनेमा को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी फिल्म को मिश्रित से नकारात्मक समीक्षा मिली तेलंगाना कांजीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे पर अपनी पत्नी जेनिफर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है चौदह साल बाद जेनिफ़र की मौत का बदला लेने के लिए वह चौदह दिन के पैरोल के साथ बाहर निकलता है जया राम रवि इस फिल्म में हमको थिलांगावरण थीलांगन के रूप में नजर आने वाले हैं और कार्तिका सुरेश इंस्पेक्टर के नंदनी के रूप में हमको नज़र आएंगे फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी पाँच सितंबर 2022 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई थी और कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया था इसका दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 में शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कार्य कराईकल में की गई थी और कथिक और स, तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत अनुक्रमण दिखाया गया था फिल्मांकन अप्रैल में के मध्य में पूरा हुआ था फिल्म के संगीत की बात करें तो इस फिल्म को संगीत दिया है जीव प्रकाश कुमार द्वारा तैयार किया गया है उन्हें पहले सहयोग में भाग्यराज और निमी निमिरंधु नीला के बाद रवि के साथ दूसरा है दूसरा है आइडियो अधिकार सोनी म्यूजिक द्वारा हासिल किया गया है हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों ये 2024 तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया है इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया है फिल्म में जयराम रवि के साथ अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश और योगी बाबू और उस समूह थी कारिणी नज़र आने वाले हैं फिल्म के निर्देशन की बात करें तो इस फिल्म को निर्देशित किया एंटनी भाग्यराज ने इस फिल्म के लेखक भी वही हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं की बात करें तो इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में हमें नज़र आने वाले हैं जयम रवि अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश फिल्म को 16 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सारायन के तहत की गई थी जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उप शीर्षक दिया गया था मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई और जो कांचीपुरम चेन्नई कुंडी, कराई कला सहित कई स्थानों पर चिटफुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 के मध्य तक पूरा कर लिखा लिख लिया गया था फिल्म में संगीत जियो प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है सीएम एम छायांकन शैला कुमार द्वारा इसके द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया है सायरन सुरेश ने दिसंबर 2023 में रिलीज होने वाली थी लेकिन अधूरे पोस्टर प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और यह फिल्म 16 फरवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी फिल्म को मिश्रित से नकारात्मक समीक्षा मिली तेलंगाना कांजीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे पर अपनी पत्नी जेनिफर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है चौदह साल बाद जेनिफर की मौत का बदला लेने के लिए वह चौदह दिन के पैरोल के साथ बाहर निकलता है जयराम रवि इस फिल्म में हमको थीलांगावरम थिलांगन के रूप में नज़र आने वाले हैं और कार्तिका सुरेश इंस्पेक्टर के नंदनी के रूप में हमको नज़र आएंगे फिल्म की मुख्य फोटोग्राफ़ी पाँच सितंबर 2022 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई थी और कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया था इसका दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 में शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कार्य कराइकल में की गई थी और कथिक और तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत गीतानुक्रमण दिखाया गया था फिल्मांकन अप्रैल में के मध्य में पूरा हुआ था फिल्म के संगीत की बात करें तो इस फिल्म को संगीत दिया जियो प्रकाश कुमार द्वारा तैयार किया गया है उन्होंने पहले सहयोग में <coughs> भाग्यराज और निमी, निमी नीला के बाद रवि के साथ दूसरा है दूसरा है आइडियो अधिकार सोनी म्यूजिक द्वारा हासिल किया गया है हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों ये 2024 तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया है इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया है फिल्म में जयाराम रवि के साथ अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश और योगी बाबू और उस समूथी कारनी नज़र आने वाले हैं फिल्म के निर्देशन की बात करें तो इस फिल्म को निर्देशित किया एंटनी भाग्यराज ने इस फिल्म के लेखक भी वही हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं की बात करें तो इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में हमें नज़र आने वाले हैं जयम रवि अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश फ़िल्म को 16 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सारायन के तहत की गई थी जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उप शीर्षक दिया गया था मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई और जो कांजीपुरम चेन्नई करई कुंडी कराई, कला सहित कई स्थानों पर चिटफुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 के मध्य तक पूरा कर लिखा लिख लिया गया था फिल्म में संगीत जिओ प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है सीएम एम छायांकन शैला कुमार द्वारा इसके द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया है सायरन सुरेश ने दिसंबर 2023 में रिलीज होने वाली थी लेकिन अधूरे पोस्टर प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और यह फिल्म 16 फरवरी 2024 को सिनेमा को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी फिल्म को मिश्रित से नकारात्मक समीक्षा मिली तेलंगाना कांजीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे पर अपनी पत्नी जेनिफर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है चौदह साल बाद जेनिफ़र की मौत का बदला लेने के लिए वह चौदह दिन के पैरोल के साथ बाहर निकलता है जयराम रवि इस फिल्म में हमको थिलांगावरम थीलांगन के रूप में नज़र आने वाले हैं और कार्तिका सुरेश इंस्पेक्टर के नंदनी के रूप में हमको नज़र आएंगे फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी पाँच सितंबर 2022 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई थी और कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया था इसका दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 में शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कार्य कराईकल में की गई थी और कथिक और स, तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीतानुक्रमण दिखाया गया था फिल्मांकन अप्रैल में के मध्य में पूरा हुआ था फिल्म के संगीत की बात करें तो इस फिल्म को संगीत दिया है जीव प्रकाश कुमार द्वारा तैयार किया गया है उन्हें पहले सहयोग में भाग्यराज और निमी निमिरंधु नीला के बाद रवि के साथ दूसरा है दूसरा है आइडियो अधिकार सोनी म्यूजिक द्वारा हासिल किया गया है हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों ये 2024 तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया है इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया है फिल्म में जयराम रवि के साथ अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश और योगी बाबू और उस समूथी कारणी नज़र आने वाले हैं फिल्म के निर्देशन की बात करें तो इस फिल्म को निर्देशित किया एंटनी भाग्यराज ने इस फिल्म के लेखक भी वही हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं की बात करें तो इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में हमें नजर आने वाले हैं जयम रवि अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश फिल्म को 16 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सारायन के तहत की गई थी जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उप शीर्षक दिया गया था मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई और जो कांचीपुरम चेन्नई कुंडी कराई कला सहित कई स्थानों पर चिटफुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 के मध्य तक पूरा कर लिखा लिख लिया गया था फिल्म में संगीत जियो प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है सीएम एम छायांकन शैला कुमार द्वारा इसके द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया है सायरन सुरेश ने दिसंबर 2023 में रिलीज होने वाली थी लेकिन अधूरे पोस्टर प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और यह फिल्म 16 फरवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी फिल्म को मिश्रित से नकारात्मक समीक्षा मिली थिलांगना कांजीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे पर अपनी पत्नी जेनिफर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और इसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है चौदह साल बाद जेनिफर की मौत का बदला लेने के लिए वह चौदह दिन के पैरोल के साथ बाहर निकलता है जयराम रवि इस फिल्म में हमको थीलांगावरम थिलांगन के रूप में नज़र आने वाले हैं और कार्तिका सुरेश इंस्पेक्टर के नंदनी के रूप में हमको नज़र आएंगे फिल्म की मुख्य फोटोग्राफ़ी पाँच सितंबर 2022 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई थी और कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया था इसका दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 में शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कराइकल में की गई थी और कथिक और तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत गीतानुक्रमण दिखाया गया था फिल्मांकन अप्रैल में के मध्य में पूरा हुआ था फिल्म के संगीत की बात करें तो इस फिल्म को संगीत दिया है जीव प्रकाश कुमार द्वारा तैयार किया गया है उन्होंने पहले सहयोग में भाग्यराज और निमी, निमी नीला के बाद रवि के साथ दूसरा है दूसरा है आइडियो अधिकार सोनी म्यूजिक द्वारा हासिल किया गया है हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों ये 2024 तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया है इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया है फिल्म में जयाराम रवि के साथ अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश और योगी बाबू और उस समूथी कारनी नज़र आने वाले हैं फिल्म के निर्देशन की बात करें तो इस फिल्म को निर्देशित किया एंटनी भाग्यराज ने इस फिल्म के लेखक भी वही हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं की बात करें तो इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में हमें नज़र आने वाले हैं जयम रवि अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश फ़िल्म को 16 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सारायन के तहत की गई थी जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उप शीर्षक दिया गया था मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई और जो कांचीपुरम चेन्नई काराई कुंडी कराईकला सहित कई स्थानों पर चिटफुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 के मध्य तक पूरा कर लिखा लिख लिया गया था फिल्म में संगीत जियो प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है सीएम एम छायांकन शैला कुमार द्वारा इसके द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया है सायरन सुरेश ने दिसंबर 2023 में रिलीज होने वाली थी लेकिन अधूरे पोस्टर प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और यह फिल्म 16 फरवरी 2024 को सिनेमा को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी फिल्म को मिश्रित से नकारात्मक समीक्षा मिली थिलांगना कांजीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे पर अपनी पत्नी जेनिफर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है चौदह साल बाद जेनिफ़र की मौत का बदला लेने के लिए वह चौदह दिन के पैरोल के साथ बाहर निकलता है जया राम रवि इस फिल्म में हमको थिलांगावरण थीलांगन के रूप में नजर आने वाले हैं और कार्तिका सुरेश इंस्पेक्टर के नंदनी के रूप में हमको नज़र आएंगे फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी पाँच सितंबर 2022 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई थी और कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया था इसका दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 में शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कार्य कराईकल में की गई थी और कथिक और तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत अनुक्रमण दिखाया गया था फिल्मांकन अप्रैल में के मध्य में पूरा हुआ था फिल्म के संगीत की बात करें तो इस फिल्म को संगीत दिया है जीव प्रकाश कुमार द्वारा तैयार किया गया है उन्हें पहले सहयोग में भाग्यराज और निमी निमिरंधु नीला के बाद रवि के साथ दूसरा है दूसरा है आइडियो अधिकार सोनी म्यूजिक द्वारा हासिल किया गया है हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों ये 2024 तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया है इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया है फिल्म में जयराम रवि के साथ अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश और योगी बाबू और उस समूथी कारिणी नज़र आने वाले हैं फिल्म के निर्देशन की बात करें तो इस फिल्म को निर्देशित किया एंटनी भाग्यराज ने इस फिल्म के लेखक भी वही हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं की बात करें तो इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में हमें नज़र आने वाले हैं जयम रवि अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश फिल्म को सोलह फरवरी दो को रिलीज किया गया था फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सारायन के तहत की गई थी जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उप शीर्षक दिया गया था मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई और जो कांचीपुरम चेन्नई कराई, कराई कला सहित कई स्थानों पर चिटफुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 के मध्य तक पूरा कर लिखा लिख लिया गया था फिल्म में संगीत जियो प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है सीएम एम छायांकन शैला कुमार द्वारा इसके द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया है सायरन सुरेश ने दिसंबर 2023 में रिलीज होने वाली थी लेकिन अधूरे पोस्टर प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और यह फिल्म 16 फरवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी फिल्म को मिश्रित से नकारात्मक समीक्षा मिली थिलांगना कांजीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे पर अपनी पत्नी जेनिफर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है चौदह साल बाद जेनिफर की मौत का बदला लेने के लिए वह चौदह दिन के पैरोल के साथ बाहर निकलता है जयराम रवि इस फिल्म में हमको थीलांगावरम थीलांगन के रूप में नज़र आने वाले हैं और कार्तिका सुरेश इंस्पेक्टर के नंदनी के रूप में हमको नज़र आएंगे फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2022 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई थी और कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया था इसका दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 में शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कार्य क्राइकल में की गई थी और कथिक और तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत अनुक्रमण दिखाया गया था फिल्मांकन अप्रैल में के मध्य में पूरा हुआ था फिल्म के संगीत की बात करें तो इस फिल्म को संगीत दिया है जीव प्रकाश कुमार द्वारा तैयार किया गया है उन्होंने पहले सहयोग में <coughs> भाग्यराज और निमी निमीरंधु नीला के बाद रवि के साथ दूसरा है दूसरा है आइडियो अधिकार सोनी म्यूजिक द्वारा हासिल किया गया है हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों ये 2024 तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया है इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया है फिल्म में जयराम रवि के साथ अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश और योगी बाबू और उस समूथी कारनी नज़र आने वाले हैं फिल्म के निर्देशन की बात करें तो इस फिल्म को निर्देशित किया एंटनी भाग्यराज ने इस फिल्म के लेखक भी वही हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं की बात करें तो इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में हमें नज़र आने वाले हैं जयम रवि अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश फ़िल्म को 16 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सारायन के तहत की गई थी जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उप शीर्षक दिया गया था मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई और जो कांजीपुरम चेन्नई काराई कुंडी कराई, कला सहित कई स्थानों पर चिटफुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 के मध्य तक पूरा कर लिखा लिख लिया गया था फिल्म में संगीत जियो प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है सीएम एम छायांकन शैला कुमार द्वारा इसके द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया है सायरन सुरेश ने दिसंबर 2023 में रिलीज होने वाली थी लेकिन अधूरे पोस्टर प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और यह फिल्म 16 फरवरी 2024 को सिनेमा को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी फिल्म को मिश्रित से नकारात्मक समीक्षा मिली तेलंगाना कांजीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे पर अपनी पत्नी जेनिफर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है चौदह साल बाद जेनिफ़र की मौत का बदला लेने के लिए वह चौदह दिन के पैरोल के साथ बाहर निकलता है जया राम रवि इस फिल्म में हमको थिलांगावरण थीलांगन के रूप में नजर आने वाले हैं और कार्तिका सुरेश इंस्पेक्टर के नंदनी के रूप में हमको नज़र आएंगे फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी पाँच सितंबर 2022 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई थी और कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया था इसका दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 में शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कार्य कराईकल में की गई थी और कथिक और स, तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत अनुक्रमण दिखाया गया था फिल्मांकन अप्रैल में के मध्य में पूरा हुआ था फिल्म के संगीत की बात करें तो इस फिल्म को संगीत दिया है जीव प्रकाश कुमार द्वारा तैयार किया गया है उन्हें पहले सहयोग में भाग्यराज और निमी निमिरंधु नीला के बाद रवि के साथ दूसरा है दूसरा है आइडियो अधिकार सोनी म्यूजिक द्वारा हासिल किया गया है हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों ये 2024 तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया है इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया है फिल्म में जयराम रवि के साथ अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश और योगी बाबू और उस समूह थी कारणी नज़र आने वाले हैं फिल्म के निर्देशन की बात करें तो इस फिल्म को निर्देशित किया एंटनी भाग्यराज ने इस फिल्म के लेखक भी वही हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं की बात करें तो इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में हमें नजर आने वाले हैं जयम रवि अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश फिल्म को 16 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सारायन के तहत की गई थी जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उप शीर्षक दिया गया था मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई और जो कांचीपुरम चेन्नई कुंडी, कराई कला सहित कई स्थानों पर चिटफुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 के मध्य तक पूरा कर लिखा लिख लिया गया था फिल्म में संगीत जियो प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है सीएम छायांकन से शैला कुमार द्वारा इसके द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया है सायरन सुरेश ने दिसंबर 2023 में रिलीज होने वाली थी लेकिन अधूरे पोस्टर प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और यह फिल्म 16 फरवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी फिल्म को मिश्रित से नकारात्मक समीक्षा मिली थिलांगना कांजीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे पर अपनी पत्नी जेनिफर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और इसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है चौदह साल बाद जेनिफर की मौत का बदला लेने के लिए वह चौदह दिन के पैरोल के साथ बाहर निकलता है जयराम रवि इस फिल्म में हमको थीलांगावरम थिलांगन के रूप में नज़र आने वाले हैं और कार्तिका सुरेश इंस्पेक्टर के नंदनी के रूप में हमको नज़र आएंगे फिल्म की मुख्य फोटोग्राफ़ी 5 सितंबर 2022 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई थी और कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया था इसका दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 में शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कार्य कराइकल में की गई थी और कथिक और तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत अनुक्रम दिखाया गया था फिल्मांकन अप्रैल में के मध्य में पूरा हुआ था फिल्म के संगीत की बात करें तो इस फिल्म को संगीत दिया है जीव प्रकाश कुमार द्वारा तैयार किया गया है उन्होंने पहले सहयोग में <coughs> भाग्यराज और निमी, निमी नीला के बाद रवि के साथ दूसरा है दूसरा है आइडियो अधिकार सोनी म्यूजिक द्वारा हासिल किया गया है हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों ये 2024 तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया है इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया है फिल्म में जयाराम रवि के साथ अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश और योगी बाबू और उस समूथी कारनी नज़र आने वाले हैं फिल्म के निर्देशन की बात करें तो इस फिल्म को निर्देशित किया एंटनी भाग्यराज ने इस फिल्म के लेखक भी वही हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं की बात करें तो इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में हमें नज़र आने वाले हैं जयम रवि अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश फ़िल्म को 16 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सारायन के तहत की गई थी जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उप शीर्षक दिया गया था मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई और जो कांजीपुरम चेन्नई करई कुंडी कराई, कला सहित कई स्थानों पर चिटफुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 के मध्य तक पूरा कर लिखा लिख लिया गया था फिल्म में संगीत जिओ प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है सीएम एम छायांकन शैला कुमार द्वारा इसके द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया है सायरन सुरेश ने दिसंबर 2023 में रिलीज होने वाली थी लेकिन अधूरे पोस्टर प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और यह फिल्म 16 फरवरी 2024 को सिनेमा को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी फिल्म को मिश्रित से नकारात्मक समीक्षा मिली तेलंगाना कांजीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे पर अपनी पत्नी जेनिफर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है चौदह साल बाद जेनिफ़र की मौत का बदला लेने के लिए वह चौदह दिन के पैरोल के साथ बाहर निकलता है जयराम रवि इस फिल्म में हमको थिलांगावरम थीलांगन के रूप में नज़र आने वाले हैं और कार्तिका सुरेश इंस्पेक्टर के नंदनी के रूप में हमको नज़र आएंगे फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी पाँच सितंबर 2022 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई थी और कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया था इसका दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 में शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कार्य कराईकल में की गई थी और कथिक और स, तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत अनुक्रम दिखाया गया था फिल्मांकन अप्रैल में के मध्य में पूरा हुआ था फिल्म के संगीत की बात करें तो इस फिल्म को संगीत दिया है जीव प्रकाश कुमार द्वारा तैयार किया गया है उन्हें पहले सहयोग में भाग्यराज और निमी निमिरंधु नीला के बाद रवि के साथ दूसरा है दूसरा है आइडियो अधिकार सोनी म्यूजिक द्वारा हासिल किया गया है हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों ये 2024 तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया है इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया है फिल्म में जयराम रवि के साथ अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश और योगी बाबू और उस समूथी कारिणी नज़र आने वाले हैं फिल्म के निर्देशन की बात करें तो इस फिल्म को निर्देशित किया एंटनी भाग्यराज ने इस फिल्म के लेखक भी वही हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं की बात करें तो इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में हमें नज़र आने वाले हैं जयम रवि अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश फिल्म को 16 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सारायन के तहत की गई थी जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उप शीर्षक दिया गया था मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई और जो कांचीपुरम चेन्नई कुंडी कराई कला सहित कई स्थानों पर चिटफुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 के मध्य तक पूरा कर लिखा लिख लिया गया था फिल्म में संगीत जिओ प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है सीएम एम छायांकन शैला कुमार द्वारा इसके द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया है सायरन सुरेश ने दिसंबर 2023 में रिलीज होने वाली थी लेकिन अधूरे पोस्टर प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और यह फिल्म 16 फरवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी फिल्म को मिश्री से नकारात्मक समीक्षा मिली तेलंगाना कांजीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे पर अपनी पत्नी जेनिफर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है चौदह साल बाद जेनिफर की मौत का बदला लेने के लिए वह चौदह दिन के परोल के साथ बाहर निकलता है जयराम रवि इस फिल्म में हमको थीलांगावरम थिलांगन के रूप में नज़र आने वाले हैं और कार्तिका सुरेश इंस्पेक्टर के नंदनी के रूप में हमको नजर आएंगे फिल्म की मुख्य फोटोग्राफ़ी 5 सितंबर 2022 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई थी और कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया था इसका दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 में शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कार्य कराइकल में की गई थी और कथिक और तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत गीतानुक्रमण दिखाया गया था फिल्मांकन अप्रैल के मध्य में पूरा हुआ था फिल्म के संगीत की बात करें तो इस फिल्म को संगीत दिया जियो प्रकाश कुमार द्वारा तैयार किया गया है उन्होंने पहले सहयोग में भाग्यराज और निमी, निमी नीला के बाद रवि के साथ दूसरा है दूसरा है आइडियो अधिकार सोनी म्यूजिक द्वारा हासिल किया गया है हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों ये 2024 तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया है इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया है फिल्म में जयराम रवि के साथ अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश और योगी बाबू और उस समूथी कारनी नज़र आने वाले हैं फिल्म के निर्देशन की बात करें तो इस फिल्म को निर्देशित किया एंटनी भाग्यराज ने इस फिल्म के लेखक भी वही हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं की बात करें तो इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में हमें नज़र आने वाले हैं जयम रवि अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश फ़िल्म को 16 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सारायन के तहत की गई थी जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उप शीर्षक दिया गया था मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई और जो कांजीपुरम चेन्नई काराई कुंडी कराई, कला सहित कई स्थानों पर चिटफुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 के मध्य तक पूरा कर लिखा लिख लिया गया था फिल्म में संगीत जियो प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है सीएम एम छायांकन शैला कुमार द्वारा इसके द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया है सायरन सुरेश ने दिसंबर 2023 में रिलीज होने वाली थी लेकिन अधूरे पोस्टर प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और यह फिल्म 16 फरवरी 2024 को सिनेमा को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी फिल्म को मिश्रित से नकारात्मक समीक्षा मिली तेलंगाना कांजीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे पर अपनी पत्नी जेनिफर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है चौदह साल बाद जेनिफ़र की मौत का बदला लेने के लिए वह चौदह दिन के पैरोल के साथ बाहर निकलता है जया राम रवि इस फिल्म में हमको थिलांगावरण थीलांगन के रूप में नजर आने वाले हैं और कार्तिका सुरेश इंस्पेक्टर के नंदनी के रूप में हमको नज़र आएंगे फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी पाँच सितंबर 2022 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई थी और कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया था इसका दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 में शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कार्य कराईकल में की गई थी और कथिक और स, तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत अनुक्रमण दिखाया गया था फिल्मांकन अप्रैल में के मध्य में पूरा हुआ था फिल्म के संगीत की बात करें तो इस फिल्म को संगीत दिया है जीव प्रकाश कुमार द्वारा तैयार किया गया है उन्हें पहले सहयोग में भाग्यराज और निमी निमिरंधु नीला के बाद रवि के साथ दूसरा है दूसरा है आइडियो अधिकार सोनी म्यूजिक द्वारा हासिल किया गया है हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों ये 2024 तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया है इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया है फिल्म में जयराम रवि के साथ अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश और योगी बाबू और उस समूथी कारणी नज़र आने वाले हैं फिल्म के निर्देशन की बात करें तो इस फिल्म को निर्देशित किया एंटनी भाग्यराज ने इस फिल्म के लेखक भी वही हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं की बात करें तो इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में हमें नज़र आने वाले हैं जयम रवि अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश फिल्म को सोलह फरवरी दो को रिलीज किया गया था फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सारायन के तहत की गई थी जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उप शीर्षक दिया गया था मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई और जो कांचीपुरम चेन्नई कुंडी कराई कला सहित कई स्थानों पर चिटफुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 के मध्य तक पूरा कर लिखा लिख लिया गया था फिल्म में संगीत जियो प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है सीएम एम छायांकन शैला कुमार द्वारा इसके द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया है सायरन सुरेश ने दिसंबर 2023 में रिलीज होने वाली थी लेकिन अधूरे पोस्टर प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और यह फिल्म 16 फरवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी फिल्म को मिश्रित से नकारात्मक समीक्षा मिली थिलांगना कांजीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे पर अपनी पत्नी जेनिफर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है चौदह साल बाद जेनिफर की मौत का बदला लेने के लिए वह चौदह दिन के पैरोल के साथ बाहर निकलता है जयराम रवि इस फिल्म में हमको थीलांगावरम थिलांगन के रूप में नज़र आने वाले हैं और कार्तिका सुरेश इंस्पेक्टर के नंदनी के रूप में हमको नज़र आएंगे। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफ़ी 5 सितंबर 2022 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई थी और कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया था इसका दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 में शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कार्य कराइकल में की गई थी और कथिक और तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत अनुक्रमण दिखाया गया था फिल्मांकन अप्रैल में के मध्य में पूरा हुआ था फिल्म के संगीत की बात करें तो इस फिल्म को संगीत दिया है जीव प्रकाश कुमार द्वारा तैयार किया गया है उन्होंने पहले सहयोग में <coughs> भाग्यराज और निमी निमीरंधु नीला के बाद रवि के साथ दूसरा है दूसरा है आइडियो अधिकार सोनी म्यूजिक द्वारा हासिल किया गया है हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों ये 2024 तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया है इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया है फिल्म में जयराम रवि के साथ अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश और योगी बाबू और उस समूथी कारनी नज़र आने वाले हैं फिल्म के निर्देशन की बात करें तो इस फिल्म को निर्देशित किया एंटनी भाग्यराज ने इस फिल्म के लेखक भी वही हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं की बात करें तो इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में हमें नज़र आने वाले हैं जयम रवि अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश फ़िल्म को 16 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सारायन के तहत की गई थी जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उप शीर्षक दिया गया था मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई और जो कांचीपुरम चेन्नई करई कुंडी कराई कला सहित कई स्थानों पर चिटफुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 के मध्य तक पूरा कर लिखा लिख लिया गया था फिल्म में संगीत जियो प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है सीएम एम छायांकन शैला कुमार द्वारा इसके द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया है सायरन सुरेश ने दिसंबर 2023 में रिलीज होने वाली थी लेकिन अधूरे पोस्टर प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और यह फिल्म 16 फरवरी 2024 को सिनेमा को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी फिल्म को मिश्रित से नकारात्मक समीक्षा मिली तेलंगाना कांजीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे पर अपनी पत्नी जेनिफर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है चौदह साल बाद जेनिफ़र की मौत का बदला लेने के लिए वह चौदह दिन के पैरोल के साथ बाहर निकलता है जया राम रवि इस फिल्म में हमको थिलांगावरण थीलांगन के रूप में नजर आने वाले हैं और कार्तिका सुरेश इंस्पेक्टर के नंदनी के रूप में हमको नज़र आएंगे फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी पाँच सितंबर 2022 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई थी और कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया था इसका दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 में शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कार्य कराईकल में की गई थी और कथिक और स, तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत अनुक्रमण दिखाया गया था फिल्मांकन अप्रैल में के मध्य में पूरा हुआ था फिल्म के संगीत की बात करें तो इस फिल्म को संगीत दिया है जीव प्रकाश कुमार द्वारा तैयार किया गया है उन्हें पहले सहयोग में भाग्यराज और निमी निमिरंधु नीला के बाद रवि के साथ दूसरा है दूसरा है आइडियो अधिकार सोनी म्यूजिक द्वारा हासिल किया गया है हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों ये 2024 तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया है इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया है फिल्म में जयराम रवि के साथ अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश और योगी बाबू और उस समूह थी कारिणी नज़र आने वाले हैं फिल्म के निर्देशन की बात करें तो इस फिल्म को निर्देशित किया एंटनी भाग्यराज ने इस फिल्म के लेखक भी वही हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं की बात करें तो इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में हमें नज़र आने वाले हैं जयम रवि अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश फिल्म को 16 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सारायन के तहत की गई थी जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उप शीर्षक दिया गया था मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई और जो कांचीपुरम चेन्नई कुंडी, कराई कला सहित कई स्थानों पर चिटफुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 के मध्य तक पूरा कर लिखा लिख लिया गया था फिल्म में संगीत जियो प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है सीएम एम छायांकन शैला कुमार द्वारा इसके द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया है सायरन सुरेश ने दिसंबर 2023 में रिलीज होने वाली थी लेकिन अधूरे पोस्टर प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और यह फिल्म 16 फरवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी फिल्म को मिश्रित से नकारात्मक समीक्षा मिली तेलंगाना कांजीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे पर अपनी पत्नी जेनिफर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है चौदह साल बाद जेनिफर की मौत का बदला लेने के लिए वह चौदह दिन के पैरोल के साथ बाहर निकलता है जयराम रवि इस फिल्म में हमको थीलांगावरम थिलांगन के रूप में नज़र आने वाले हैं और कार्तिका सुरेश इंस्पेक्टर के नंदनी के रूप में हमको नजर आएंगे फिल्म की मुख्य फोटोग्राफ़ी पाँच सितंबर 2022 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई थी और कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया था इसका दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 में शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कार्य कराइकल में की गई थी और कथिक और तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत गीतानुक्रमण दिखाया गया था फिल्मांकन अप्रैल में के मध्य में पूरा हुआ था फिल्म के संगीत की बात करें तो इस फिल्म को संगीत दिया जियो प्रकाश कुमार द्वारा तैयार किया गया है उन्होंने पहले सहयोग में <coughs> भाग्यराज और निमी, निमी नीला के बाद रवि के साथ दूसरा है दूसरा है आइडियो अधिकार सोनी म्यूजिक द्वारा हासिल किया गया है हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों ये 2024 तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया है इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया है फिल्म में जयाराम रवि के साथ अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश और योगी बाबू और उस समूथी कारनी नज़र आने वाले हैं फिल्म के निर्देशन की बात करें तो इस फिल्म को निर्देशित किया एंटनी भाग्यराज ने इस फिल्म के लेखक भी वही हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं की बात करें तो इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में हमें नज़र आने वाले हैं जयम रवि अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश फ़िल्म को 16 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सारायन के तहत की गई थी जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उप शीर्षक दिया गया था मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई और जो कांजीपुरम चेन्नई करई कुंडी कराई, कला सहित कई स्थानों पर चिटफुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 के मध्य तक पूरा कर लिखा लिख लिया गया था फिल्म में संगीत जिओ प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है सीएम एम छायांकन शैला कुमार द्वारा इसके द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया है सायरन सुरेश ने दिसंबर 2023 में रिलीज होने वाली थी लेकिन अधूरे पोस्टर प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और यह फिल्म 16 फरवरी 2024 को सिनेमा को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी फिल्म को मिश्रित से नकारात्मक समीक्षा मिली तेलंगाना कांजीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे पर अपनी पत्नी जेनिफर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है चौदह साल बाद जेनिफ़र की मौत का बदला लेने के लिए वह चौदह दिन के पैरोल के साथ बाहर निकलता है जयराम रवि इस फिल्म में हमको थिलांगावरम थीलांगन के रूप में नज़र आने वाले हैं और कार्तिका सुरेश इंस्पेक्टर के नंदनी के रूप में हमको नज़र आएंगे फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी पाँच सितंबर 2022 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई थी और कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया था इसका दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 में शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कार्य कराईकल में की गई थी और कथिक और स, तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत अनुक्रम दिखाया गया था फिल्मांकन अप्रैल में के मध्य में पूरा हुआ था फिल्म के संगीत की बात करें तो इस फिल्म को संगीत दिया है जीव प्रकाश कुमार द्वारा तैयार किया गया है उन्हें पहले सहयोग में भाग्यराज और निमी निमिरंधु नीला के बाद रवि के साथ दूसरा है दूसरा है आइडियो अधिकार सोनी म्यूजिक द्वारा हासिल किया गया है हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों ये 2024 तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया है इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया है फिल्म में जयराम रवि के साथ अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश और योगी बाबू और उस समूथी कारणी नज़र आने वाले हैं फिल्म के निर्देशन की बात करें तो इस फिल्म को निर्देशित किया एंटनी भाग्यराज ने इस फिल्म के लेखक भी वही हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं की बात करें तो इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में हमें नजर आने वाले हैं जयम रवि अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश फिल्म को 16 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सारायन के तहत की गई थी जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उप शीर्षक दिया गया था मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई और जो कांचीपुरम चेन्नई कुंडी कराई कला सहित कई स्थानों पर चिटफुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 के मध्य तक पूरा कर लिखा लिख लिया गया था फिल्म में संगीत जियो प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है सीएम छायांकन से शैला कुमार द्वारा इसके द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया है सायरन सुरेश ने दिसंबर 2023 में रिलीज होने वाली थी लेकिन अधूरे पोस्टर प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और यह फिल्म 16 फरवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी फिल्म को मिश्रित से नकारात्मक समीक्षा मिली थिलांगना कांजीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे पर अपनी पत्नी जेनिफर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और इसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है चौदह साल बाद जेनिफर की मौत का बदला लेने के लिए वह चौदह दिन के पैरोल के साथ बाहर निकलता है जयराम रवि इस फिल्म में हमको थीलांगावरम थिलांगन के रूप में नज़र आने वाले हैं और कार्तिका सुरेश इंस्पेक्टर के नंदनी के रूप में हमको नजर आएंगे फिल्म की मुख्य फोटोग्राफ़ी 5 सितंबर 2022 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई थी और कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया था इसका दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 में शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कराइकल में की गई थी और कथिक और तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत गीतानुक्रमण दिखाया गया था फिल्मांकन अप्रैल में के मध्य में पूरा हुआ था फिल्म के संगीत की बात करें तो इस फिल्म को संगीत दिया जियो प्रकाश कुमार द्वारा तैयार किया गया है उन्होंने पहले सहयोग में भाग्यराज और निमी, निमी नीला के बाद रवि के साथ दूसरा है दूसरा है आइडियो अधिकार सोनी म्यूजिक द्वारा हासिल किया गया है हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों ये 2024 तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया है इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया है फिल्म में जयराम रवि के साथ अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश और योगी बाबू और उस समूथी कारनी नज़र आने वाले हैं फिल्म के निर्देशन की बात करें तो इस फिल्म को निर्देशित किया एंटनी भाग्यराज ने इस फिल्म के लेखक भी वही हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं की बात करें तो इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में हमें नज़र आने वाले हैं जयम रवि अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश फ़िल्म को 16 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सारायन के तहत की गई थी जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उप शीर्षक दिया गया था मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई और जो कांचीपुरम चेन्नई करई कुंडी कराईकला सहित कई स्थानों पर चिटफुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 के मध्य तक पूरा कर लिखा लिख लिया गया था फिल्म में संगीत जियो प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है सीएम एम छायांकन शैला कुमार द्वारा इसके द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया है सायरन सुरेश ने दिसंबर 2023 में रिलीज होने वाली थी लेकिन अधूरे पोस्टर प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और यह फिल्म 16 फरवरी 2024 को सिनेमा को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी फिल्म को मिश्रित से नकारात्मक समीक्षा मिली तेलंगाना कांजीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे पर अपनी पत्नी जेनिफर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है चौदह साल बाद जेनिफ़र की मौत का बदला लेने के लिए वह चौदह दिन के पैरोल के साथ बाहर निकलता है जया राम रवि इस फिल्म में हमको थिलांगावरण थीलांगन के रूप में नजर आने वाले हैं और कार्तिका सुरेश इंस्पेक्टर के नंदनी के रूप में हमको नज़र आएंगे फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी पाँच सितंबर 2022 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई थी और कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया था इसका दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 में शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कार्य कराईकल में की गई थी और कथिक और तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत अनुक्रमण दिखाया गया था फिल्मांकन अप्रैल में के मध्य में पूरा हुआ था फिल्म के संगीत की बात करें तो इस फिल्म को संगीत दिया है जीव प्रकाश कुमार द्वारा तैयार किया गया है उन्हें पहले सहयोग में भाग्यराज और निमी निमिरंधु नीला के बाद रवि के साथ दूसरा है दूसरा है आइडियो अधिकार सोनी म्यूजिक द्वारा हासिल किया गया है हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों ये 2024 तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया है इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया है फिल्म में जयराम रवि के साथ अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश और योगी बाबू और उस समूथी कारिणी नज़र आने वाले हैं फिल्म के निर्देशन की बात करें तो इस फिल्म को निर्देशित किया एंटनी भाग्यराज ने इस फिल्म के लेखक भी वही हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं की बात करें तो इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में हमें नज़र आने वाले हैं जयम रवि अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश फिल्म को सोलह फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सारायन के तहत की गई थी जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उप शीर्षक दिया गया था मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई और जो कांचीपुरम चेन्नई कराई कला सहित कई स्थानों पर चिटफुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 के मध्य तक पूरा कर लिखा लिख लिया गया था फिल्म में संगीत जियो प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है सीएम एम छायांकन शैला कुमार द्वारा इसके द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया है सायरन सुरेश ने दिसंबर 2023 में रिलीज होने वाली थी लेकिन अधूरे पोस्टर प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और यह फिल्म 16 फरवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी फिल्म को मिश्रित से नकारात्मक समीक्षा मिली तेलंगाना कांजीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे पर अपनी पत्नी जेनिफर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है चौदह साल बाद जेनिफर की मौत का बदला लेने के लिए वह चौदह दिन के पैरोल के साथ बाहर निकलता है जयराम रवि इस फिल्म में हमको थीलांगावरम थिलांगन के रूप में नज़र आने वाले हैं और कार्तिका सुरेश इंस्पेक्टर के नंदनी के रूप में हमको नज़र आएंगे फिल्म की मुख्य फोटोग्राफ़ी 5 सितंबर 2022 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई थी और कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया था इसका दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 में शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कार्य क्राइकल में की गई थी और कथिक और तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत अनुक्रमण दिखाया गया था फिल्मांकन अप्रैल में के मध्य में पूरा हुआ था फिल्म के संगीत की बात करें तो इस फिल्म को संगीत दिया है जीव प्रकाश कुमार द्वारा तैयार किया गया है उन्होंने पहले सहयोग में <coughs> भाग्यराज और निमी निमीरंधु नीला के बाद रवि के साथ दूसरा है दूसरा है आइडियो अधिकार सोनी म्यूजिक द्वारा हासिल किया गया है हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों ये 2024 तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया है इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया है फिल्म में जयराम रवि के साथ अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश और योगी बाबू और उस समूथी कारनी नज़र आने वाले हैं फिल्म के निर्देशन की बात करें तो इस फिल्म को निर्देशित किया एंटनी भाग्यराज ने इस फिल्म के लेखक भी वही हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं की बात करें तो इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में हमें नज़र आने वाले हैं जयम रवि अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश फ़िल्म को 16 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सारायन के तहत की गई थी जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उप शीर्षक दिया गया था मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई और जो कांजीपुरम चेन्नई काराई कुंडी कराई, कला सहित कई स्थानों पर चिटफुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 के मध्य तक पूरा कर लिखा लिख लिया गया था फिल्म में संगीत जियो प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है सीएम एम छायांकन शैला कुमार द्वारा इसके द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया है सायरन सुरेश ने दिसंबर 2023 में रिलीज होने वाली थी लेकिन अधूरे पोस्टर प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और यह फिल्म 16 फरवरी 2024 को सिनेमा को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी फिल्म को मिश्रित से नकारात्मक समीक्षा मिली तेलंगाना कांजीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे पर अपनी पत्नी जेनिफर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है चौदह साल बाद जेनिफ़र की मौत का बदला लेने के लिए वह चौदह दिन के पैरोल के साथ बाहर निकलता है जया राम रवि इस फिल्म में हमको थिलांगावरण थीलांगन के रूप में नजर आने वाले हैं और कार्तिका सुरेश इंस्पेक्टर के नंदनी के रूप में हमको नज़र आएंगे फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी पाँच सितंबर 2022 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई थी और कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया था इसका दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 में शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कार्य कराईकल में की गई थी और कथिक और स, तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत अनुक्रमण दिखाया गया था फिल्मांकन अप्रैल में के मध्य में पूरा हुआ था फिल्म के संगीत की बात करें तो इस फिल्म को संगीत दिया है जीव प्रकाश कुमार द्वारा तैयार किया गया है उन्हें पहले सहयोग में भाग्यराज और निमी निमिरंधु नीला के बाद रवि के साथ दूसरा है दूसरा है आइडियो अधिकार सोनी म्यूजिक द्वारा हासिल किया गया है हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों ये 2024 तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया है इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया है फिल्म में जयराम रवि के साथ अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश और योगी बाबू और उस समूह थी कारणी नज़र आने वाले हैं फिल्म के निर्देशन की बात करें तो इस फिल्म को निर्देशित किया एंटनी भाग्यराज ने इस फिल्म के लेखक भी वही हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं की बात करें तो इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में हमें नज़र आने वाले हैं जयम रवि अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश फिल्म को 16 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सारायन के तहत की गई थी जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उप शीर्षक दिया गया था मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई और जो कांचीपुरम चेन्नई कुंडी, कराई कला सहित कई स्थानों पर चिटफुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 के मध्य तक पूरा कर लिखा लिख लिया गया था फिल्म में संगीत जियो प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है सीएम छायांकन से शैला कुमार द्वारा इसके द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया है सायरन सुरेश ने दिसंबर 2023 में रिलीज होने वाली थी लेकिन अधूरे पोस्टर प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और यह फिल्म 16 फरवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी फिल्म को मिश्रित से नकारात्मक समीक्षा मिली थिलांगना कांजीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे पर अपनी पत्नी जेनिफर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है चौदह साल बाद जेनिफर की मौत का बदला लेने के लिए वह चौदह दिन के पैरोल के साथ बाहर निकलता है जयराम रवि इस फिल्म में हमको थीलांगावरम थिलांगन के रूप में नज़र आने वाले हैं और कार्तिका सुरेश इंस्पेक्टर के नंदनी के रूप में हमको नज़र आएंगे फिल्म की मुख्य फोटोग्राफ़ी 5 सितंबर 2022 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई थी और कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया था इसका दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 में शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कार्य कराइकल में की गई थी और कथिक और तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत गीतानुक्रमण दिखाया गया था फिल्मांकन अप्रैल में के मध्य में पूरा हुआ था फिल्म के संगीत की बात करें तो इस फिल्म को संगीत दिया जियो प्रकाश कुमार द्वारा तैयार किया गया है उन्होंने पहले सहयोग में भाग्यराज और निमी, निमी नीला के बाद रवि के साथ दूसरा है दूसरा है आइडियो अधिकार सोनी म्यूजिक द्वारा हासिल किया गया है हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों ये 2024 तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया है इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया है फिल्म में जयाराम रवि के साथ अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश और योगी बाबू और उस समूथी कारनी नज़र आने वाले हैं फिल्म के निर्देशन की बात करें तो इस फिल्म को निर्देशित किया एंटनी भाग्यराज ने इस फिल्म के लेखक भी वही हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं की बात करें तो इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में हमें नज़र आने वाले हैं जयम रवि अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश फ़िल्म को 16 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सारायन के तहत की गई थी जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उप शीर्षक दिया गया था मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई और जो कांजीपुरम चेन्नई करई कुंडी कराई, कला सहित कई स्थानों पर चिटफुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 के मध्य तक पूरा कर लिखा लिख लिया गया था फिल्म में संगीत जियो प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है सीएम एम छायांकन शैला कुमार द्वारा इसके द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया है सायरन सुरेश ने दिसंबर 2023 में रिलीज होने वाली थी लेकिन अधूरे पोस्टर प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और यह फिल्म 16 फरवरी 2024 को सिनेमा को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी फिल्म को मिश्रित से नकारात्मक समीक्षा मिली तेलंगाना कांजीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे पर अपनी पत्नी जेनिफर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है चौदह साल बाद जेनिफ़र की मौत का बदला लेने के लिए वह चौदह दिन के पैरोल के साथ बाहर निकलता है जयराम रवि इस फिल्म में हमको थिलांगावरम थीलांगन के रूप में नज़र आने वाले हैं और कार्तिका सुरेश इंस्पेक्टर के नंदनी के रूप में हमको नज़र आएंगे फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी पाँच सितंबर 2022 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई थी और कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया था इसका दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 में शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कार्य कराईकल में की गई थी और कथिक और स, तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत अनुक्रमण दिखाया गया था फिल्मांकन अप्रैल में के मध्य में पूरा हुआ था फिल्म के संगीत की बात करें तो इस फिल्म को संगीत दिया है जीव प्रकाश कुमार द्वारा तैयार किया गया है उन्हें पहले सहयोग में भाग्यराज और निमी निमिरंधु नीला के बाद रवि के साथ दूसरा है दूसरा है आइडियो अधिकार सोनी म्यूजिक द्वारा हासिल किया गया है हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों ये 2024 तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया है इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया है फिल्म में जयराम रवि के साथ अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश और योगी बाबू और उस समूह थी कारिणी नज़र आने वाले हैं फिल्म के निर्देशन की बात करें तो इस फिल्म को निर्देशित किया एंटनी भाग्यराज ने इस फिल्म के लेखक भी वही हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं की बात करें तो इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में हमें नज़र आने वाले हैं जयम रवि अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश फिल्म को 16 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सारायन के तहत की गई थी जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उप शीर्षक दिया गया था मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई और जो कांचीपुरम चेन्नई कुंडी कराई कला सहित कई स्थानों पर चिटफुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 के मध्य तक पूरा कर लिखा लिख लिया गया था फिल्म में संगीत जिओ प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है सीएम एम छायांकन शैला कुमार द्वारा इसके द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया है सायरन सुरेश ने दिसंबर 2023 में रिलीज होने वाली थी लेकिन अधूरे पोस्टर प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और यह फिल्म 16 फरवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी फिल्म को मिश्रित से नकारात्मक समीक्षा मिली थिलांगना कांजीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे पर अपनी पत्नी जेनिफर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है चौदह साल बाद जेनिफर की मौत का बदला लेने के लिए वह चौदह दिन के परोल के साथ बाहर निकलता है जयराम रवि इस फिल्म में हमको थीलांगावरम थिलांगन के रूप में नज़र आने वाले हैं और कार्तिका सुरेश इंस्पेक्टर के नंदनी के रूप में हमको नजर आएंगे फिल्म की मुख्य फोटोग्राफ़ी 5 सितंबर 2022 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई थी और कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया था इसका दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 में शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कराइकल में की गई थी और कथिक और तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत गीतानुक्रमण दिखाया गया था फिल्मांकन अप्रैल में के मध्य में पूरा हुआ था फिल्म के संगीत की बात करें तो इस फिल्म को संगीत दिया है जीव प्रकाश कुमार द्वारा तैयार किया गया है उन्होंने पहले सहयोग में भाग्यराज और निमी, निमी नीला के बाद रवि के साथ दूसरा है दूसरा है आइडियो अधिकार सोनी म्यूजिक द्वारा हासिल किया गया है हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों ये 2024 तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया है इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया है फिल्म में जयराम रवि के साथ अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश और योगी बाबू और उस समूथी कारनी नज़र आने वाले हैं फिल्म के निर्देशन की बात करें तो इस फिल्म को निर्देशित किया एंटनी भाग्यराज ने इस फिल्म के लेखक भी वही हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं की बात करें तो इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में हमें नज़र आने वाले हैं जयम रवि अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश फ़िल्म को 16 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सारायन के तहत की गई थी जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उप शीर्षक दिया गया था मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई और जो कांजीपुरम चेन्नई काराई कुंडी कराई, कला सहित कई स्थानों पर चिटफुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 के मध्य तक पूरा कर लिखा लिख लिया गया था फिल्म में संगीत जियो प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है सीएम एम छायांकन शैला कुमार द्वारा इसके द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया है सायरन सुरेश ने दिसंबर 2023 में रिलीज होने वाली थी लेकिन अधूरे पोस्टर प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और यह फिल्म 16 फरवरी 2024 को सिनेमा को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी फिल्म को मिश्रित से नकारात्मक समीक्षा मिली तेलंगाना कांजीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे पर अपनी पत्नी जेनिफर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है चौदह साल बाद जेनिफ़र की मौत का बदला लेने के लिए वह चौदह दिन के पैरोल के साथ बाहर निकलता है जया राम रवि इस फिल्म में हमको थिलांगावरण थीलांगन के रूप में नजर आने वाले हैं और कार्तिका सुरेश इंस्पेक्टर के नंदनी के रूप में हमको नज़र आएंगे फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी पाँच सितंबर 2022 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई थी और कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया था इसका दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 में शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कार्य कराईकल में की गई थी और कथिक और तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत अनुक्रमण दिखाया गया था फिल्मांकन अप्रैल में के मध्य में पूरा हुआ था फिल्म के संगीत की बात करें तो इस फिल्म को संगीत दिया है जीव प्रकाश कुमार द्वारा तैयार किया गया है उन्हें पहले सहयोग में भाग्यराज और निमी निमिरंधु नीला के बाद रवि के साथ दूसरा है दूसरा है आइडियो अधिकार सोनी म्यूजिक द्वारा हासिल किया गया है हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों ये 2024 तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया है इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया है फिल्म में जयराम रवि के साथ अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश और योगी बाबू और उस समूथी कारणी नज़र आने वाले हैं फिल्म के निर्देशन की बात करें तो इस फिल्म को निर्देशित किया एंटनी भाग्यराज ने इस फिल्म के लेखक भी वही हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं की बात करें तो इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में हमें नज़र आने वाले हैं जयम रवि अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश फिल्म को सोलह फरवरी दो को रिलीज किया गया था फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सारायन के तहत की गई थी जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उप शीर्षक दिया गया था मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई और जो कांचीपुरम चेन्नई कुंडी कराई कला सहित कई स्थानों पर चिटफुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 के मध्य तक पूरा कर लिखा लिख लिया गया था फिल्म में संगीत जियो प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है सीएम एम छायांकन शैला कुमार द्वारा इसके द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया है सायरन सुरेश ने दिसंबर 2023 में रिलीज होने वाली थी लेकिन अधूरे पोस्टर प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और यह फिल्म 16 फरवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी फिल्म को मिश्रित से नकारात्मक समीक्षा मिली थिलांगना कांजीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे पर अपनी पत्नी जेनिफर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है चौदह साल बाद जेनिफर की मौत का बदला लेने के लिए वह चौदह दिन के पैरोल के साथ बाहर निकलता है जयराम रवि इस फिल्म में हमको थीलांगावरम थिलांगन के रूप में नज़र आने वाले हैं और कार्तिका सुरेश इंस्पेक्टर के नंदनी के रूप में हमको नज़र आएंगे। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफ़ी 5 सितंबर 2022 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई थी और कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया था इसका दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 में शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कार्य क्राइकल में की गई थी और कथिक और तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत अनुक्रमण दिखाया गया था फिल्मांकन अप्रैल में के मध्य में पूरा हुआ था फिल्म के संगीत की बात करें तो इस फिल्म को संगीत दिया है जीव प्रकाश कुमार द्वारा तैयार किया गया है उन्होंने पहले सहयोग में <coughs> भाग्यराज और निमी निमीरंधु नीला के बाद रवि के साथ दूसरा है दूसरा है आइडियो अधिकार सोनी म्यूजिक द्वारा हासिल किया गया है हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों ये 2024 तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया है इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया है फिल्म में जयराम रवि के साथ अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश और योगी बाबू और उस समूथी कारनी नज़र आने वाले हैं फिल्म के निर्देशन की बात करें तो इस फिल्म को निर्देशित किया एंटनी भाग्यराज ने इस फिल्म के लेखक भी वही हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं की बात करें तो इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में हमें नज़र आने वाले हैं जयम रवि अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश फ़िल्म को 16 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सारायन के तहत की गई थी जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उप शीर्षक दिया गया था मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई और जो कांचीपुरम चेन्नई करई कुंडी कराईकला सहित कई स्थानों पर चिटफुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 के मध्य तक पूरा कर लिखा लिख लिया गया था फिल्म में संगीत जियो प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है सीएम एम छायांकन शैला कुमार द्वारा इसके द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया है सायरन सुरेश ने दिसंबर 2023 में रिलीज होने वाली थी लेकिन अधूरे पोस्टर प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और यह फिल्म 16 फरवरी 2024 को सिनेमा को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी फिल्म को मिश्रित से नकारात्मक समीक्षा मिली तेलंगाना कांजीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे पर अपनी पत्नी जेनिफर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है चौदह साल बाद जेनिफ़र की मौत का बदला लेने के लिए वह चौदह दिन के पैरोल के साथ बाहर निकलता है जया राम रवि इस फिल्म में हमको थिलांगावरण थीलांगन के रूप में नजर आने वाले हैं और कार्तिका सुरेश इंस्पेक्टर के नंदनी के रूप में हमको नज़र आएंगे फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी पाँच सितंबर 2022 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई थी और कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया था इसका दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 में शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कार्य कराईकल में की गई थी और कथिक और स, तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत अनुक्रमण दिखाया गया था फिल्मांकन अप्रैल में के मध्य में पूरा हुआ था फिल्म के संगीत की बात करें तो इस फिल्म को संगीत दिया है जीव प्रकाश कुमार द्वारा तैयार किया गया है उन्हें पहले सहयोग में भाग्यराज और निमी निमिरंधु नीला के बाद रवि के साथ दूसरा है दूसरा है आइडियो अधिकार सोनी म्यूजिक द्वारा हासिल किया गया है हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों ये 2024 तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया है इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया है फिल्म में जयराम रवि के साथ अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश और योगी बाबू और उस समूह थी कारिणी नज़र आने वाले हैं फिल्म के निर्देशन की बात करें तो इस फिल्म को निर्देशित किया एंटनी भाग्यराज ने इस फिल्म के लेखक भी वही हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं की बात करें तो इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में हमें नज़र आने वाले हैं जयम रवि अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश फिल्म को 16 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सारायन के तहत की गई थी जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उप शीर्षक दिया गया था मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई और जो कांचीपुरम चेन्नई कुंडी, कराई कला सहित कई स्थानों पर चिटफुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 के मध्य तक पूरा कर लिखा लिख लिया गया था फिल्म में संगीत जियो प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है सीएम एम छायांकन शैला कुमार द्वारा इसके द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया है सायरन सुरेश ने दिसंबर 2023 में रिलीज होने वाली थी लेकिन अधूरे पोस्टर प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और यह फिल्म 16 फरवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी फिल्म को मिश्रित से नकारात्मक समीक्षा मिली तेलंगाना कांजीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे पर अपनी पत्नी जेनिफर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है चौदह साल बाद जेनिफर की मौत का बदला लेने के लिए वह चौदह दिन के पैरोल के साथ बाहर निकलता है जयराम रवि इस फिल्म में हमको थीलांगावरम थिलांगन के रूप में नज़र आने वाले हैं और कार्तिका सुरेश इंस्पेक्टर के नंदनी के रूप में हमको नज़र आएंगे फिल्म की मुख्य फोटोग्राफ़ी 5 सितंबर 2022 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई थी और कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया था इसका दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 में शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कार्य कराइकल में की गई थी और कथिक और तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत गीतानुक्रमण दिखाया गया था फिल्मांकन अप्रैल में के मध्य में पूरा हुआ था फिल्म के संगीत की बात करें तो इस फिल्म को संगीत दिया है जीव प्रकाश कुमार द्वारा तैयार किया गया है उन्होंने पहले सहयोग में <coughs> भाग्यराज और निमी, निमी नीला के बाद रवि के साथ दूसरा है दूसरा है आइडियो अधिकार सोनी म्यूजिक द्वारा हासिल किया गया है हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों ये 2024 तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया है इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया है फिल्म में जयाराम रवि के साथ अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश और योगी बाबू और उस समूथी कारनी नज़र आने वाले हैं फिल्म के निर्देशन की बात करें तो इस फिल्म को निर्देशित किया एंटनी भाग्यराज ने इस फिल्म के लेखक भी वही हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं की बात करें तो इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में हमें नज़र आने वाले हैं जयम रवि अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश फ़िल्म को 16 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सारायन के तहत की गई थी जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उप शीर्षक दिया गया था मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई और जो कांजीपुरम चेन्नई करई कुंडी कराई कला सहित कई स्थानों पर चिटफुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 के मध्य तक पूरा कर लिखा लिख लिया गया था फिल्म में संगीत जिओ प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है सीएम एम छायांकन शैला कुमार द्वारा इसके द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया है सायरन सुरेश ने दिसंबर 2023 में रिलीज होने वाली थी लेकिन अधूरे पोस्टर प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और यह फिल्म 16 फरवरी 2024 को सिनेमा को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी फिल्म को मिश्रित से नकारात्मक समीक्षा मिली तेलंगाना कांजीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे पर अपनी पत्नी जेनिफर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है चौदह साल बाद जेनिफ़र की मौत का बदला लेने के लिए वह चौदह दिन के पैरोल के साथ बाहर निकलता है जयराम रवि इस फिल्म में हमको थिलांगावरम थीलांगन के रूप में नज़र आने वाले हैं और कार्तिका सुरेश इंस्पेक्टर के नंदनी के रूप में हमको नज़र आएंगे फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी पाँच सितंबर 2022 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई थी और कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया था इसका दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 में शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कार्य कराईकल में की गई थी और कथिक और स, तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत अनुक्रमण दिखाया गया था फिल्मांकन अप्रैल में के मध्य में पूरा हुआ था फिल्म के संगीत की बात करें तो इस फिल्म को संगीत दिया है जीव प्रकाश कुमार द्वारा तैयार किया गया है उन्हें पहले सहयोग में भाग्यराज और निमी निमिरंधु नीला के बाद रवि के साथ दूसरा है दूसरा है आइडियो अधिकार सोनी म्यूजिक द्वारा हासिल किया गया है हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों ये 2024 तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया है इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया है फिल्म में जयराम रवि के साथ अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश और योगी बाबू और उस समूथी कारणी नज़र आने वाले हैं फिल्म के निर्देशन की बात करें तो इस फिल्म को निर्देशित किया एंटनी भाग्यराज ने इस फिल्म के लेखक भी वही हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं की बात करें तो इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में हमें नज़र आने वाले हैं जयम रवि अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश फिल्म को 16 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सारायन के तहत की गई थी जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उप शीर्षक दिया गया था मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई और जो कांचीपुरम चेन्नई कुंडी कराई कला सहित कई स्थानों पर चिटफुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 के मध्य तक पूरा कर लिखा लिख लिया गया था फिल्म में संगीत जियो प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है सीएम एम छायांकन शैला कुमार द्वारा इसके द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया है सायरन सुरेश ने दिसंबर 2023 में रिलीज होने वाली थी लेकिन अधूरे पोस्टर प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और यह फिल्म 16 फरवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी फिल्म को मिश्रित से नकारात्मक समीक्षा मिली थिलांगना कांजीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे पर अपनी पत्नी जेनिफर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और इसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है चौदह साल बाद जेनिफर की मौत का बदला लेने के लिए वह चौदह दिन के पैरोल के साथ बाहर निकलता है जयराम रवि इस फिल्म में हमको थीलांगावरम थिलांगन के रूप में नज़र आने वाले हैं और कार्तिका सुरेश इंस्पेक्टर के नंदनी के रूप में हमको नज़र आएंगे फिल्म की मुख्य फोटोग्राफ़ी पाँच सितंबर 2022 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई थी और कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया था इसका दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 में शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कराइकल में की गई थी और कथिक और तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत गीतानुक्रमण दिखाया गया था फिल्मांकन अप्रैल में के मध्य में पूरा हुआ था फिल्म के संगीत की बात करें तो इस फिल्म को संगीत दिया है जीव प्रकाश कुमार द्वारा तैयार किया गया है उन्होंने पहले सहयोग में भाग्यराज और निमी, निमी नीला के बाद रवि के साथ दूसरा है दूसरा है आइडियो अधिकार सोनी म्यूजिक द्वारा हासिल किया गया है हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों ये 2024 तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया है इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया है फिल्म में जयाराम रवि के साथ अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश और योगी बाबू और उस समूथी कारनी नज़र आने वाले हैं फिल्म के निर्देशन की बात करें तो इस फिल्म को निर्देशित किया एंटनी भाग्यराज ने इस फिल्म के लेखक भी वही हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं की बात करें तो इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में हमें नज़र आने वाले हैं जयम रवि अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश फ़िल्म को 16 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सारायन के तहत की गई थी जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उप शीर्षक दिया गया था मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई और जो कांचीपुरम चेन्नई काराई कुंडी कराईकला सहित कई स्थानों पर चिटफुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 के मध्य तक पूरा कर लिखा लिख लिया गया था फिल्म में संगीत जियो प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है सीएम एम छायांकन शैला कुमार द्वारा इसके द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया है सायरन सुरेश ने दिसंबर 2023 में रिलीज होने वाली थी लेकिन अधूरे पोस्टर प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और यह फिल्म 16 फरवरी 2024 को सिनेमा को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी फिल्म को मिश्रित से नकारात्मक समीक्षा मिली तेलंगाना कांजीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे पर अपनी पत्नी जेनिफर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है चौदह साल बाद जेनिफ़र की मौत का बदला लेने के लिए वह चौदह दिन के पैरोल के साथ बाहर निकलता है जया राम रवि इस फिल्म में हमको थिलांगावरण थीलांगन के रूप में नजर आने वाले हैं और कार्तिका सुरेश इंस्पेक्टर के नंदनी के रूप में हमको नज़र आएंगे फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी पाँच सितंबर 2022 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई थी और कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया था इसका दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 में शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कार्य कराईकल में की गई थी और कथिक और तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत अनुक्रमण दिखाया गया था फिल्मांकन अप्रैल में के मध्य में पूरा हुआ था फिल्म के संगीत की बात करें तो इस फिल्म को संगीत दिया है जीव प्रकाश कुमार द्वारा तैयार किया गया है उन्हें पहले सहयोग में भाग्यराज और निमी निमिरंधु नीला के बाद रवि के साथ दूसरा है दूसरा है आइडियो अधिकार सोनी म्यूजिक द्वारा हासिल किया गया है हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों ये 2024 तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया है इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया है फिल्म में जयराम रवि के साथ अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश और योगी बाबू और उस समूथी कारिणी नज़र आने वाले हैं फिल्म के निर्देशन की बात करें तो इस फिल्म को निर्देशित किया एंटनी भाग्यराज ने इस फिल्म के लेखक भी वही हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं की बात करें तो इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में हमें नज़र आने वाले हैं जयम रवि अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश फिल्म को सोलह फरवरी दो को रिलीज किया गया था फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सारायन के तहत की गई थी जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उप शीर्षक दिया गया था मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई और जो कांचीपुरम चेन्नई कुंडी कराई कला सहित कई स्थानों पर चिटफुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 के मध्य तक पूरा कर लिखा लिख लिया गया था फिल्म में संगीत जियो प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है सीएम एम छायांकन शैला कुमार द्वारा इसके द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया है सायरन सुरेश ने दिसंबर 2023 में रिलीज होने वाली थी लेकिन अधूरे पोस्टर प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और यह फिल्म 16 फरवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी फिल्म को मिश्रित से नकारात्मक समीक्षा मिली तेलंगाना कांजीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे पर अपनी पत्नी जेनिफर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है चौदह साल बाद जेनिफर की मौत का बदला लेने के लिए वह चौदह दिन के पैरोल के साथ बाहर निकलता है जयराम रवि इस फिल्म में हमको थीलांगावरण थिलांगन के रूप में नज़र आने वाले हैं और कार्तिका सुरेश इंस्पेक्टर के नंदनी के रूप में हमको नज़र आएंगे। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफ़ी 5 सितंबर 2022 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई थी और कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया था इसका दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 में शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कार्य कराइकल में की गई थी और कथिक और तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत अनुक्रमण दिखाया गया था फिल्मांकन अप्रैल में के मध्य में पूरा हुआ था फिल्म के संगीत की बात करें तो इस फिल्म को संगीत दिया है जीव प्रकाश कुमार द्वारा तैयार किया गया है उन्होंने पहले सहयोग में <coughs> भाग्यराज और निमी निमीरंधु नीला के बाद रवि के साथ दूसरा है दूसरा है आइडियो अधिकार सोनी म्यूजिक द्वारा हासिल किया गया है हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों ये 2024 तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया है इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया है फिल्म में जयराम रवि के साथ अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश और योगी बाबू और उस समूथी कारनी नज़र आने वाले हैं फिल्म के निर्देशन की बात करें तो इस फिल्म को निर्देशित किया एंटनी भाग्यराज ने इस फिल्म के लेखक भी वही हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं की बात करें तो इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में हमें नज़र आने वाले हैं जयम रवि अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश फ़िल्म को 16 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सारायन के तहत की गई थी जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उप शीर्षक दिया गया था मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई और जो कांजीपुरम चेन्नई काराई कुंडी कराई, कला सहित कई स्थानों पर चिटफुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 के मध्य तक पूरा कर लिखा लिख लिया गया था फिल्म में संगीत जियो प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है सीएम एम छायांकन शैला कुमार द्वारा इसके द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया है सायरन सुरेश ने दिसंबर 2023 में रिलीज होने वाली थी लेकिन अधूरे पोस्टर प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और यह फिल्म 16 फरवरी 2024 को सिनेमा को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी फिल्म को मिश्रित से नकारात्मक समीक्षा मिली तेलंगाना कांजीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे पर अपनी पत्नी जेनिफर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है चौदह साल बाद जेनिफ़र की मौत का बदला लेने के लिए वह चौदह दिन के पैरोल के साथ बाहर निकलता है जया राम रवि इस फिल्म में हमको थिलांगावरण थीलांगन के रूप में नजर आने वाले हैं और कार्तिका सुरेश इंस्पेक्टर के नंदनी के रूप में हमको नज़र आएंगे फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी पाँच सितंबर 2022 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई थी और कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया था इसका दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 में शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कार्य कराईकल में की गई थी और कथिक और स, तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत अनुक्रमण दिखाया गया था फिल्मांकन अप्रैल में के मध्य में पूरा हुआ था फिल्म के संगीत की बात करें तो इस फिल्म को संगीत दिया है जीव प्रकाश कुमार द्वारा तैयार किया गया है उन्हें पहले सहयोग में भाग्यराज और निमी निमिरंधु नीला के बाद रवि के साथ दूसरा है दूसरा है आइडियो अधिकार सोनी म्यूजिक द्वारा हासिल किया गया है हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों ये 2024 तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया है इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया है फिल्म में जयराम रवि के साथ अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश और योगी बाबू और उस समूह थी कारणी नज़र आने वाले हैं फिल्म के निर्देशन की बात करें तो इस फिल्म को निर्देशित किया एंटनी भाग्यराज ने इस फिल्म के लेखक भी वही हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं की बात करें तो इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में हमें नज़र आने वाले हैं जयम रवि अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश फिल्म को 16 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सारायन के तहत की गई थी जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उप शीर्षक दिया गया था मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई और जो कांचीपुरम चेन्नई कुंडी, कराई कला सहित कई स्थानों पर चिटफुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 के मध्य तक पूरा कर लिखा लिख लिया गया था फिल्म में संगीत जियो प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है सीएम एम छायांकन शैला कुमार द्वारा इसके द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया है सायरन सुरेश ने दिसंबर 2023 में रिलीज होने वाली थी लेकिन अधूरे पोस्टर प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और यह फिल्म 16 फरवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी फिल्म को मिश्रित से नकारात्मक समीक्षा मिली थिलांगना कांजीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे पर अपनी पत्नी जेनिफर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और इसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है चौदह साल बाद जेनिफर की मौत का बदला लेने के लिए वह चौदह दिन के पैरोल के साथ बाहर निकलता है जयराम रवि इस फिल्म में हमको थीलांगावरम थिलांगन के रूप में नज़र आने वाले हैं और कार्तिका सुरेश इंस्पेक्टर के नंदनी के रूप में हमको नज़र आएंगे फिल्म की मुख्य फोटोग्राफ़ी 5 सितंबर 2022 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई थी और कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया था इसका दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 में शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कार्य कराइकल में की गई थी और कथिक और तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत अनुक्रम दिखाया गया था फिल्मांकन अप्रैल में के मध्य में पूरा हुआ था फिल्म के संगीत की बात करें तो इस फिल्म को संगीत दिया है जीव प्रकाश कुमार द्वारा तैयार किया गया है उन्होंने पहले सहयोग में <coughs> भाग्यराज और निमी, निमी नीला के बाद रवि के साथ दूसरा है दूसरा है आइडियो अधिकार सोनी म्यूजिक द्वारा हासिल किया गया है हेलो फ्रेंड स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों ये 2024 तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया है इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया है फिल्म में जयाराम रवि के साथ अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश और योगी बाबू और उस समूथी कारनी नज़र आने वाले हैं फिल्म के निर्देशन की बात करें तो इस फिल्म को निर्देशित किया एंटनी भाग्यराज ने इस फिल्म के लेखक भी वही हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं की बात करें तो इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में हमें नज़र आने वाले हैं जयम रवि अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश फ़िल्म को 16 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सारायन के तहत की गई थी जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उप शीर्षक दिया गया था मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई और जो कांजीपुरम चेन्नई करई कुंडी कराई, कला सहित कई स्थानों पर चिटफुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 के मध्य तक पूरा कर लिखा लिख लिया गया था फिल्म में संगीत जिओ प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है सीएम एम छायांकन शैला कुमार द्वारा इसके द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया है सायरन सुरेश ने दिसंबर 2023 में रिलीज होने वाली थी लेकिन अधूरे पोस्टर प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और यह फिल्म 16 फरवरी 2024 को सिनेमा को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी फिल्म को मिश्रित से नकारात्मक समीक्षा मिली तेलंगाना कांजीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे पर अपनी पत्नी जेनिफर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है चौदह साल बाद जेनिफ़र की मौत का बदला लेने के लिए वह चौदह दिन के पैरोल के साथ बाहर निकलता है जयराम रवि इस फिल्म में हमको थिलांगावरम थीलांगन के रूप में नज़र आने वाले हैं और कार्तिका सुरेश इंस्पेक्टर के नंदनी के रूप में हमको नज़र आएंगे फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी पाँच सितंबर 2022 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई थी और कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया था इसका दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 में शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कार्य कराईकल में की गई थी और कथिक और तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत अनुक्रम दिखाया गया था फिल्मांकन अप्रैल में के मध्य में पूरा हुआ था फिल्म के संगीत की बात करें तो इस फिल्म को संगीत दिया है जीव प्रकाश कुमार द्वारा तैयार किया गया है उन्हें पहले सहयोग में भाग्यराज और निमी निमिरंधु नीला के बाद रवि के साथ दूसरा है दूसरा है आइडियो अधिकार सोनी म्यूजिक द्वारा हासिल किया गया है हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों ये 2024 तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एंटनी भाग्यराज ने लिखा और निर्देशित किया है इसका निर्माण होम मूवी मेकर्स के तहत सुजाता विजय कुमार ने किया है फिल्म में जयराम रवि के साथ अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश और योगी बाबू और उस समूथी कारिणी नज़र आने वाले हैं फिल्म के निर्देशन की बात करें तो इस फिल्म को निर्देशित किया एंटनी भाग्यराज ने इस फिल्म के लेखक भी वही हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं की बात करें तो इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में हमें नज़र आने वाले हैं जयम रवि अनुपमा परमेश्वरम कार्तिका सुरेश फिल्म को 16 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में आधिकारिक शीर्षक सारायन के तहत की गई थी जबकि जनवरी 2024 में शीर्षक को बाद में 108 के साथ उप शीर्षक दिया गया था मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई और जो कांचीपुरम चेन्नई कुंडी कराई कला सहित कई स्थानों पर चिटफुट रूप से शूट किया गया था और अप्रैल 2023 के मध्य तक पूरा कर लिखा लिख लिया गया था फिल्म में संगीत जियो प्रकाश कुमार ने दिया और पृष्ठभूमि स्कोर सैम द्वारा रचित है सीएम छायांकन से शैला कुमार द्वारा इसके द्वारा संभाला गया और रूबेन द्वारा संपादन किया गया है सायरन सुरेश ने दिसंबर 2023 में रिलीज होने वाली थी लेकिन अधूरे पोस्टर प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और यह फिल्म 16 फरवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी फिल्म को मिश्री से नकारात्मक समीक्षा मिली तेलंगाना कांजीपुरम में एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसे पर अपनी पत्नी जेनिफर की हत्या के लिए झूठा आरोप लगाया गया है और इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है चौदह साल बाद जेनिफर की मौत का बदला लेने के लिए वह चौदह दिन के परोल के साथ बाहर निकलता है जयराम रवि इस फिल्म में हमको थीलांगावरम थिलांगन के रूप में नज़र आने वाले हैं और कार्तिका सुरेश इंस्पेक्टर के नंदनी के रूप में हमको नजर आएंगे फिल्म की मुख्य फोटोग्राफ़ी 5 सितंबर 2022 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई थी और कार्यक्रम नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया था इसका दूसरा शेड्यूल 10 नवंबर को कराईकुंडी में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 में शुरुआत में कार्यक्रम समाप्त हो गया था तीसरा शेड्यूल की शूटिंग कार्य कराइकल में की गई थी और कथिक और तौर पर शेड्यूल में रवि और परमेश्वरम की विशेषता वाला एक गीत गीतानुक्रमण दिखाया गया था फिल्मांकन अप्रैल के मध्य में पूरा हुआ था फिल्म के संगीत की बात करें तो इस फिल्म को संगीत दिया जियो प्रकाश कुमार द्वारा तैयार किया गया है उन्होंने पहले सहयोग में भाग्यराज और निमी निमिरंधु नीला के बाद रवि के साथ दूसरा है दूसरा है आइडियो अधिकार सोनी म्यूजिक द्वारा हासिल किया गया है